वेलकम बैक टू द चैनल लक्स ऑन द ट्रेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है हमारे चैनल के हिसाब से। हमारा वैसे तो ट्रैवलिंग का चैनल है, लेकिन क्योंकि आजकल हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ किड्स स्कूल, उनके स्कूल अभी चल रहे हैं, ऑफ नहीं हुए हैं, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सोचा कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टूल। तो एक ये मैंने टूल्स अभी मंगवाया था अमेजोन से, वो आ गया है। तो आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स, और ये मेरा पहला अनबॉक्स का वीडियो है, तो 19-20 इधर उधर हो जाएगा, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, संभाल लेना प्लीज। तो ये है एक चाइनीज कंपनी का जिगसॉ मशीन, इंगो, INGCO, इंगो इंगो, आई होप कि मैं सही प्रोनाउन कर रहा हूं इसको। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस प्यारे से बॉक्स के अंदर है क्या। देखने में तो काफी स्मार्ट लग रहा है। तो इसके अंदर ये सबसे पहले है इसकी मोटर, 650 वॉट की मोटर है इसकी, 220 से 240 वोल्ट का ये पावर लेगी और 800 से 2800 आई थिंक इसकी स्पीड की वो होगी कि 800 से 2800 तक जा सकती है ये। 80 mm की ये वुड को काट सकती है आसानी से और 8 mm के आयरन को काट सकती है। ये इसके ब्लेड डायमेंशन है, इसके इसके साथ एक ब्लेड का पूरा सेट आता है, 5 ब्लेड का, जिसमें 0, 1, 2, 3 इसके ब्लेड्स के नंबर हैं और 0 से 45 डिग्री का ये एंगल हम इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 650 वॉट की ये हमारी मशीन है, जिगसॉ से बोलते हैं, इनोवेटेड बाय इंगो, पेटेंट नंबर भी दे रखा है, इंडस्ट्रियल यूज है, पर हम इसको भी अपना होम यूज करेंगे। इसमें जो एक अजीब बात लगी वो ये लगी कि जैसे यह है ना JIG जिगसॉ, यहाँ पर है JIA सॉ, तो मे बी ये कोई प्रिंटिंग की गड़बड़ है, कोई एरर है प्रिंटिंग का, ये जी कट गया है नीचे इनकी वेबसाइट के चक्कर में। इसके साथ जो एसेसरी हमें मिलेगी वो मिलेगा हमें, 2 पैकेट मिलेंगे हमें हेक्सा की के, एक सेट मिलेगा हमें कार्बन बुशेस का और एक पीस मिलेगा हमें पैरेलल गाइड, जो जिससे पैरेलल चला सकते हैं इसको, वो भी हम आगे अंदर देखते हैं। और तो कुछ इसके बॉक्स के चारों तरफ कुछ नहीं है, ये सेम वही रिपीट है, मेड इन चाइना है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये चाइना का। चाइना का प्रोडक्ट, एक इंडियन प्रोडक्ट भी था पर मैंने चाइना का प्रोडक्ट इसलिए चूज किया क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट था ना, एक तो महंगा था इससे, प्लस वो सिर्फ 7 दिनों की वारंटी दे रहे थे, तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि यार सिर्फ 7 दिन, तो इसकी ऑलमोस्ट 6 महीने की वारंटी लिखी हुई है बिल पर, इस पर तो कहीं नहीं लिखा, बिल पर लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको हम करते हैं अनबॉक्स, ठीक है। ये आया हमारा कटर, तो कैसा कट मारेंगे, वेरी गुड, अच्छा, मतलब काफी हैवी बॉक्स है, वेरी गुड। ये खुल गया जी हमारा बॉक्स, ये है इसमें बिल, ये मैंने अमेजोन से लिया है 3049 का, 3049 रुपीज का। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनकेस किसी को लेना हो तो वहां से आप परचेज कर सकते हो, आपको ज्यादा सिर खपाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कर लिया कि कौन सी मशीन सुटेबल रहेगी घर के लिए, खासकर ऐसे बंदे के लिए जो कि प्रोफेशनल नहीं है। ये एक और वो है, ये इसके साथ ब्लेड का सेट दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लेड है इसमें, देख लेते हैं एक बार तेरा खोल के, ये हैं इसके ब्लेड, साथ में एक ये जो मैं हमने इसके बाहर लिखा था ना कार्बन बुश, 2 दे रखे हैं, ये दिए लगते हैं मशीन में, आपको पता होगा अगर आप इस टाइप की मशीन यूज करते हो तो। और ये है एक इसकी मैनुअल, मोस्टली लोग इसको उठा के फेंक देते हैं लेकिन नहीं, हम फेंकेंगे नहीं,
क्योंकि सही काम करने के लिए ना सही डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, और वो सब इसी के अंदर है। स्पीड कंट्रोल है, देखो स्क्रू, लेफ्ट हाउसिंग, हाँ वेरी गुड। ये बहुत काम आने वाली है भाई हमारे, एक यूट्यूब और दूसरी ये बुक, कैसे कैसे यूज़ करना है, ऑपरेशन सब इसमें लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी साइड में रख देते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें आ गई साइड में, और ये है हमारी, अच्छा एक ये भी है, हाँ ये देखो इसमें दो एलन की हैं, और एक ये हमारी जो था ना उसको पैरेलल चलाने के लिए, सब सब यूज़ करके देखेंगे कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ रख देते हैं इसको। ये इसकी वायर है जो कि काफ़ी लंबी और अच्छी है, वेरी गुड। और ये है अभी हमारी मशीन, वाओ। बॉक्स को कर देते हैं अभी हम साइड, और ये है हमारी मशीन, वाटर मशीन यार, वेरी गुड यार, ब्यूटी। ये मशीन बेसिकली ना आड़ा टेढ़ा काटने के काम आती है। आपने देखा होगा जैसे कहीं से बीच में से सर्कल निकालना है, या कोई डिजाइनर वुड काटनी होती है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी काटनी है, या राउंड काटनी है, सर्कल कोने काटने हैं, तो ये बेसिकली उसके काम आती है मशीन ये। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। तो चलिए अब इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी मशीन है, अराउंड 1.5 केजी के आसपास होनी चाहिए, या 2 केजी भी हो सकती है। इसके ऊपर ऐसे लिखा होना चाहिए था कि इसका टोटल वेट कितना है, पर नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस फीचर्स की बात करते हैं। ये है स्पीड, मिनिमम स्पीड से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड मैक्सिमम, ये इसकी स्पीड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे मिनिमम पे ये मिनिमम हो गया, ये 2 एंड ये मैक्सिमम, व्हाट अ साउंड। ये इसका ऑपरेटिंग बटन है, इसको जैसे हम दबाते हैं चल पड़ती है, और ये इसका एक हमारा लॉक बटन है। इसका रीजन, फायदा ये होता है कि जब हम इसको कंटिन्यू हमें चलाना होता है तो इसको हम ऐसे दबाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके हाथ के ऊपर ना प्रेशर नहीं बनता। एक बार आपने इसको दबा दिया, आराम से इजी इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। साथ में इसके ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये क्या है भाई, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये जब हम यहाँ पर ब्लेड लगा लेंगे ना, उसके बाद उस ब्लेड को इसकी सपोर्ट मिलती है, तो इसको टाइट और ढीला करने के लिए ये है। इसका कुछ खास यूज तो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ब्लेड लगाने के बाद यूज करेंगे ना, तब पता चलेगा कि इसको अगर जैसे थोड़ा सा आगे ब्लेड करना है तो 1 हो गया, 2 में और टाइट हो जाएगा आई थिंक, और 3 में पूरा टाइट हो जाएगा, और इसके बीच में चलेगा हमारा ब्लेड। चलिए तो जब यूज करेंगे तब पता चलेगा। इसके साथ ये दो पेज दिए हुए, इसको हम ढीला करके ऐसे, इसको यहाँ से हम ढीला करके, जब किसी के पैरलर हमें कोई कटिंग करनी है तो वहां पर यूज होता है। ये है पैरलर बार, इसको हम ऐसे डालेंगे इसमें, इसके ऊपर पूरा स्केलिंग की हुई है, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, इंच के हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसको फिर यहां से हम कर देंगे टाइट। ये एक अच्छा मेरे को इसमें पार्ट लगा, ढील टाइट, ठीक हाँ हो गया टाइट। तो ये फिर हमारा उसके पैरेलल चलेगा, जैसे इसके पैरेलल काटा है हमें कुछ, ठीक है, तो ये ऐसे पैरेलल चलेगा, वेरी गुड। इसके अलावा ये मशीन काम करती है 0 से लेके 45 डिग्री के एंगल पर। उसके लिए क्या करना होता है, ये दो पेच ढीले करके इस पूरे पैनल को हम मूव कर सकते हैं 0 to 45 डिग्री एंगल। ये एरो दे रखा है यहाँ पर, वो भी हम करके देखेंगे जब हम कुछ कटिंग करेंगे। ओवरऑल मशीन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, जो प्लास्टिक यूज़ किया है बहुत ही अच्छा है, और कलर तो आई लाइक इट, इंडस्ट्रियल यूज़ है, लेकिन हम इसका होम यूज़ करने वाले हैं, और हम हैं इस मशीन के हिसाब से नौसिखिया, तो यूज़ करके ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। चलिए अब इसका हम ब्लेड लगा के देखते हैं कि हमसे इजीली लग पाता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ये ब्लेड्स हैं, और ब्लेड्स के ऊपर भी नंबर तो सब पे सेम है भाई। किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए ना आपके पास परफेक्ट टूल का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सारा टाइम ना जुगाड़ करने में लगा दोगे, और टाइम भी वेस्ट होगा आपका, वो जो जो भी आप बना रहे हो प्रोजेक्ट वो भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप एक अच्छा टूल ले लो, ताकि आप काम को इजीली सेफली आराम से कर पाओ। ये हमारा ब्लेड है, ये लगेगा इसके अंदर।
तो दोस्तों ये था हमारी जिगसॉ मशीन का कंप्लीट रिव्यू। इसमें हमने बात की अनबॉक्सिंग की, इसके फीचर्स की, और फिर इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखा। तो मेरे हिसाब से मशीन 10/10 है। आप भी इसको अगर लेते हैं तो घर के छोटे मोटे काम तो क्या, बड़े काम भी इससे आराम से कर सकते हैं। उससे इससे टाइम बचता है, परफेक्शन आती है काम में, और सेफ भी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको मशीन लेनी है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा और आप जाके उसको देख सकते हैं। और जब मैंने गाड़ी को मॉडिफाई किया था, जब मैंने, आपने देखा होगा वीडियो में, जब गाड़ी के अंदर मैंने किचन, बेडरूम और लिविंग बनाया था एरिया, उस टाइम मेरे पास ये नहीं थी। अगर होती तो शायद उससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था, लेकिन एनीवे अभी हम कुछ एक्साइटेड और क्रिएटिव करने जा रहे हैं, तो उसमें मशीन हमारा बहुत साथ देगी। और भी मैंने 2 मशीनें ऑर्डर की हुई हैं, जैसे ही वो आती है मैं आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगा, ताकि आपको पता लग सके कि जो भी काम मैं करता हूँ वो किस तरीके से होते हैं, किन मशीनों को मैं यूज़ करता हूँ, कैसे मैं यूज़ करता हूँ, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके और परफेक्ट हो सके। तो आई होप आने वाले कामों में आप ज़्यादा परफेक्शन देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि और बहुत कुछ हमारे चैनल पर आने वाला है। फिर जल्दी हम ट्रैवल भी शुरू करेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर कीजिएगा, और थम्स अप तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर, नई नई जगह पर। तब तक बाय।